न्यूज उत्तर प्रदेश, सड़क से लेके सदन तक हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बेबाक बेधड़क बेखौफ हम दिखाते हैं। आइए जानते हैं पीस पार्टी जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर से, और जानने की कोशिश करते हैं, प्रत्याशी भी हैं और सुल्तानपुर शहर से प्रत्याशी हैं, और अगर जीत जाते हैं तो विधायक बनने के बाद पहला कार्य क्या होगा जनता के लिए, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष पीस पार्टी सुल्तानपुर 188 विधानसभा प्रत्याशी घोषित हूँ जी। हमारा पहला काम, अगर जनता ने मुझे चुना जी, मैं विधायक हुआ तो सबसे पहले तो मैं सुल्तानपुर से पुलिस उत्पीड़न और तहसील की दलाली, थानों की दलाली बंद करवाऊंगा जी जी, क्योंकि ये जनता में सबसे ज्यादा बुराई हुआ जी। अधिकारी सुनते नहीं है, जनता जाती है चक्कर लगाते लगाते घन चक्कर हो जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिना पैसे के कोई काम होना नहीं है जी जी, तहसील में सबका कमीशन बंधा हुआ जी जी, और थानों पे तो सबके दलाल फिट है। अच्छा, एक अगर काम कराने कोई जाता है तो पहले दलाल से ले ले, तो उसके बाद उसका काम होता है जी। जी अध्यक्ष जी, सीधा एक सवाल, पीस पार्टी कहती है कि मुसलमानों की हितैषी हो है, IMIM कहती है कि मैं हितैषी हूँ, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं? सीधा सवाल। देखिए, ये दोनों लोगों की विचारधारा है अपनी अपनी, उनका थोड़ा गर्म मिजाज है जी जी, जो बोलते हैं उससे हो सकता है दूसरे को फायदा मिलता हो, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो सबको लेके चलने की बात करती है, सर्व समाज को जी। हाँ, मेरी जो पार्टी बनी पीस पार्टी, जब उसका उद्गम हुआ है, पहला स्लोगन उसका था एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये शुरू से स्लोगन है हमारा। हम सबकी दलित शोषित पिछड़े अल्पसंख्यक सबकी बात करते हैं, कुछ लोगों की आवाज उठाते हैं, लेकिन ये एक वर्ग को लेकर और दूसरे वर्ग को टारगेट करने का क्या हमारा काम है? सकते हैं कि आपकी पार्टी कितने विधानसभा सीट से जो है चुनाव लड़ाएगी? पूरे हर विधानसभा लड़ेंगे जी, 403 पूरे जी जी जी। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।